सोलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है एक नई वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गाइस आप जो इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को काफी अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। जी हां गाइस, इससे फायदा ये होता है कि अगर आपका जब इंस्टाग्राम का प्रोफाइल एकदम अलग दिखेगा, अगर यूनिक दिखेगा, तो गाइस अगर आपको कोई विजिट करता, कोई भी पीपल आपके उस पे प्रोफाइल पे विजिट करता, तो गाइस अगर उसको अच्छा लगता तो गाइस आपको जरूर फॉलो करेगा। इससे गाइस आपके फॉलोअर भी काफी अच्छे से इंक्रीज होंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे मतलब अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने प्रोफाइल को। तो गाइस आपको वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप कोई भी स्टेप को मिस करेंगे तो आप जो है गाइस प्रोफाइल को अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए चलते फोन की स्क्रीन पे, मैं आपको वहां जाके बताता हूँ आप जो है अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए चलते फोन की स्क्रीन पे गाइस। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों हम लोग फोन की स्क्रीन पे आ गए। अब गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं गाइस, मेरे सभी एप्लीकेशन का लिंक और जो है वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम वहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए अभी आपको जो मेरा प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ मैंने प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल इतना कुछ खास लग नहीं रहा, जो कि देखने में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइस मैं इसको अब इतना ज़्यादा मतलब डेकोरेट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि आप भी जो ऐसे प्रोफाइल को बना सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो गाइस जो मैंने एप्लीकेशन का लिंक वगैरह दिया था आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो गाइस सबसे पहला एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर वाला। गाइस ये आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसको क्या करना है, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कर रखा है। गाइस यहाँ पे नेट आपको मतलब ऑन रखना है, तब जाके ये एप्लीकेशन ओपन होगा। तो गाइस ये थोड़ा बहुत यहाँ पे लोडिंग लेने वाला है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा हमको रिंग दिख रहा होगा, आपने देखा होगा गाइस कई लोगों के प्रोफाइल पर रिंग टाइप का बना हुआ होता है। तो गाइस ये वही एप्लीकेशन, ये वही मतलब आपके प्रोफाइल पिक्चर पर जो रिंग टाइप का बना हुआ आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको जो भी रिंग मतलब अच्छा लग रहा है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी मिल रहा होगा ब्लू टिक वाला, तो गाइस यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये जो जिस पे लॉक बना हुआ आ रहा है, अगर आपको ये अनलॉक करना है तो यहाँ पर आपको नीचे वॉच का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करके कोई एक ऐड प्ले होगी उस ऐड। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड आने वाला है, हमको इसको ऐड को पूरा यहाँ पे देख लेना है। गाइस जैसे आप इस ऐड को पूरा देख लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस अगर आप ऐड को पूरा देख लेंगे तो आपको वो जो है पूरा अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मतलब मेरे को तो अभी नहीं लगाना है, तो मैं आपको बता दिया आपको आप वैसे करके कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नियॉन पे, सॉलिड पे, यहाँ पे बेसिक, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारा रिंग मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे एक पॉपुलर पे मेरे को ये अच्छा लग रहा, तो मैं गाइस ये वाला अपने प्रोफाइल में लगाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कलरफुल सा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। गैलरी ओपन होने के बाद आपको वहाँ पे कोई पिक्चर सिलेक्ट कर लेना जो आप मतलब प्रोफाइल पर लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक पिक्चर ये अपने वाली लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे ये एडजस्ट हो चुका है, उसके बाद गाइस आपको ऊपर सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड आने वाला है इस एप्लीकेशन में, इसको इग्नोर करिएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऐड आ रहा है, उसको हम स्किप कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद गाइस ये देख सकते हैं आप, ये हमारे मतलब गैलरी में सेव हो चुका है हमारा पिक्चर जो हमें भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लगाने वाले हैं। उसके बाद गाइस ये हो गया, उसके बाद हम चलते हैं आप इसे मतलब मैं आपको पहले गैलरी में जाके दिखा देता हूँ कि वो पिक्चर हमारी कहाँ सेव हुई है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हमारी पिक्चर जो है सेव हो चुकी है। अब गाइस हमें इसको जो है बैकग्राउंड वगैरह मतलब इरेज करना है तो आप कर भी सकते हैं, पर गाइस ये तो इंस्टाग्राम में वैसे ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं इंस्टाग्राम पे, अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब गाइस हमें यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए चेंज प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पे जो है चेंज प्रोफाइल फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए हमारा पिक्चर यहाँ पे आ चुका है, अभी आप देख सकते हैं। अब गाइस हमें ऊपर एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, हम एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको दोबारा से एरो पे कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, अभी हमारा पिक्चर जो इसमें ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत लोडिंग ले रहा है, अभी देख सकते हैं हमारा जो वहाँ प्रोफाइल जो है ऐड हो चुका है, पिक्चर उसमें ऐड हो चुकी। तो गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो प्रोफाइल में फोटो जो मैं ऐड करना चाहता था गाइस वो ऐड हो चुका है, अभी आपको वहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एडिट प्रोफाइल को दोबारा क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पे आपको दोबारा से दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें इसमें बायो मतलब बायो में भी कुछ मतलब ऐड करना है, जो कि काफ़ी हमारा मतलब प्रोफाइल अच्छा लगे। तो गाइस उसके लिए भी एप्लीकेशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने आपको बताया था आपको डाउनलोड कर लेना है।
तो गाइस यहाँ पे देखिए किलर बायोस के नाम से वो एप्लीकेशन का नाम होगा। तो गाइस आपको उसको सिंपली ओपन कर लेना है यहाँ पे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। गाइस यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग में जो बायो चल रहा होगा ऊपर आपको लिखा रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे हमको बायो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। गाइस ये एप्लीकेशन में आपको लिखा लिखा मतलब बायो मिलेगा, बस आपको उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे आपका बर्थडे वगैरह किस दिन पड़ता है क्या है, तो गाइस वही आपको बस चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक बायो सिलेक्ट कर लेते हैं, आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं गाइस। बस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सा मैं ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कोई अच्छा सा लग रहा हो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आपको भी ऐसे ही करना है। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे ये वाला बायो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते मोब डैड माई वर्ल्ड रिस्पेक्ट गर्ल्स लव योर फ्रेंड्स, और यहाँ पे गाइस बर्थडे 2 नवंबर। तो गाइस ये वाला मैं यहाँ पे बायो सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको कॉपी वाला एक आइकन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस ये जो आपका है वो कॉपी हो जाएगा बायो, यहाँ पे देख सकते हैं बायो कॉपीराइट लिखा हुआ आ गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें वापस से इंस्टाग्राम में जाना है। इंस्टाग्राम पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको बायो का ऑप्शन दिखेगा, नीचे आपको बायो पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक आपको वहाँ पर प्रेस करके रखना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देना है। ये यहाँ देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। अब गाइस हमें यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, जैसे बर्थडे वगैरह आपका कब आता है आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना बर्थडे वगैरह चेंज कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपका जब भी है ऐसे। गाइस थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना है, सुबह गाइस म्यूजिक लगा वहाँ पे सेल्फी स्टार आपको वहाँ ये सब बाकी सब आपको ऐसे कर देना, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चेंजेस करना है। तो गाइस वहाँ लिखने के बाद आपको टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पे कर देंगे उसके बाद गाइस हमें आप यहाँ पे ऊपर से दोबारा से टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कर देंगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल काफ़ी अलग लगने लगा है। पर गाइस अभी इसमें हमें और भी चेंजेस करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजेस करना है। उसके लिए गाइस एक वेबसाइट की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो उस पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस वो वेबसाइट का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पे फैंसी टेक्स्ट आपको ये सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर वाला जो आपको लिंक दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये कुछ इस टाइप का वेबसाइट आपको खुल जाएगा अभी यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा उस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे। तो गाइस आपका जो भी नाम हैगा गाइस आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम तो ये हैगा राहुल। तो गाइस यहाँ पे राहुल मौर्य में आप मतलब प्रोफाइल में अपने लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने मतलब लिख दिया है, आपको भी ऐसे कर लेना। आप गाइस नीचे देख सकते हैं आपको कितने सारे टेक्स्ट मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चुन सकते हैं जो आपको लगाना होगा गाइस आप लगा सकते हैं। जैसा कि आपको देख रहा होगा काफ़ी सारा फोन्स आपको यहाँ पे मिल रहा है अच्छे अच्छे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक फोन आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये वाला अच्छा लग रहा था मैं उसको ले लेता हूँ यहाँ पे। एक मिनट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वो एक फोन, आप भी गाइस अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को ये वाला सही लग रहा है, तो गाइस मैं इसको सिंपल यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉपी का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, तो गाइस आपको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा जो है टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। आप गाइस हमें इसे क्या करना है, बायो में अपने ऐड करना है दोबारा से, बायो में नहीं गाइस जहाँ पे मतलब नाम लिखा है गाइस वहाँ पे चेंज करना है यूजर नेम। तो गाइस हमें एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो नेम है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो गाइस मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। तो गाइस आपको दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके रखना, उसके बाद पेस्ट पे क्लिक कर देना। तो गाइस देख सकते हैं नाम मेरा जो है उसका टेक्स्ट भी पूरा चेंज हो चुका है। आप गाइस ऊपर आपको टिक का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोबारा से आपको टिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा प्रोफाइल कितना मतलब अच्छा लगने लगा। अभी आपको पहले वहाँ पे दिख रहा होगा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, आप भी ऐसे करके गाइस काफ़ी अच्छा अपना प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे न्यू स्टोरी वगैरह कुछ भी डालेंगे तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका जो है प्रोफाइल अच्छा मतलब प्रोफाइल आपको अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने यूट्यूब चैनल का फिर कोई भी आपका मतलब कोई भी वेबसाइट वगैरह का लिंक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने बायो में। यहाँ पे देख सकते हैं आपको वेबसाइट का यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यूट्यूब चैनल का तो अपना लिंक दे रखा है यहाँ पे, तो गाइस मैं इतना नहीं करूँगा एडिट। तो गाइस ऐसे करके आप जो अपने प्रोफाइल को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हो और अपने फॉलोअर वगैरह बना सकते हैं। अगर आप गाइस आपको यहाँ पे कोई भी मतलब विजिट करता है तो गाइस उसको ये प्रोफाइल काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा गाइस, वो आपको फॉलो भी जरूर करेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।